हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अभी। गाइस, जैसा कि आपको पता है बायनमो प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है, लेकिन अब हम उसे डाउनलोड कैसे करें? अगर मुझे बायनमो को डाउनलोड करना है तो मैं कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ? दोस्तों, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से बायनमो को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है? वीडियो के अंदर डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि यार, प्ले स्टोर से तो हटा दिया गया है बायनमो को, तो क्या ये ट्रस्ट वर्दी है? हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं या हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? या एक और चीज़, अगर मेरा बायनमो में अकाउंट है तो क्या मैं उसमें पैसे अगर मेरे पास हैं तो उसको विड्रॉ ले सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? और ले सकता हूं तो कैसे ले सकता हूं? और एक अच्छी और अजीब बात यह है कि बायनमो सिर्फ प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है अभी फिलहाल के टाइम में, लेकिन अभी iOS में अवेलेबल है। और अगर आप वेब पे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बायनमो को सिर्फ प्ले स्टोर से हटाया गया है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ प्ले स्टोर पे जाके कि बेसिकली अगर आप बायनमो सर्च करते हो तो यहाँ पे आपके सर्च रिजल्ट में बहुत कुछ आएंगे, लेकिन बायनमो का रियल ऐप नहीं आएगा। जिसका जो आइकन है वो अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो आइकन है आप देख पा रहे हैं बायनमो का, ये आप नहीं देख सकते आप प्ले स्टोर पे। क्या कारण है उसका, तो मैं बताता हूं रीजन एक्चुअली क्या है बायनमो के ऐप को प्ले स्टोर से हटाने का। देखिए, ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? मतलब पहले भी आप बायनमो को यूज करते थे और अब भी आप बायनमो को यूज करते हो। अगर आप प्री इंस्टॉल्ड है आपके डिवाइस में तो आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे फोन में बायनमो का ऐप डाउनलोडेड है। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं बायनमो का जो मेरा इंटरफेस है वो ओपन हो चुका है। रियल अकाउंट आप देख सकते हैं। तो गाइस, पहली बात तो आपको ये क्लियर कर देता हूं कि यहां पे कोई गंभीर मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से बायनमो को हटा दिया गया है। बायनमो को हटाने के पीछे जो मेन कारण है वो है वेरिफिकेशन। मतलब गूगल प्ले स्टोर की जो पॉलिसीज है वो अपडेट होती रहती हैं, और अपडेट होने के साथ साथ कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं। सो गूगल प्ले स्टोर की जो सर्विसेज हैं उसमें एक अपडेट आया है, उसके बाद वेरिफिकेशन नीडेड हो गया है। मतलब अब आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करना जरूरी है गूगल प्ले स्टोर पे डालने से पहले। और अगर आपने प्री इंस्टॉल्ड यानी पहले से ही डाल रखी है गूगल प्ले स्टोर पे कोई एप्लीकेशन जो आपकी लाइव है, तो अगर आपने उसका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं कराया है किसी रीजन की वजह से, तो वेरिफिकेशन पेंडिंग होता है। तो पहले तो चल जाता था लेकिन अब नहीं चलेगा। तो ड्यू टू सम रीजंस बायनमो का कुछ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का इशू था जिसकी वजह से बायनमो को हटा दिया गया है। कुछ कारणों की वजह से ना थोड़े टाइम के लिए हटा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे यूज नहीं कर सकते। हम उसे यूज कर सकते हैं, वेब पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका जो मन में डाउट है ना उसको हटा दो कि बायनमो किसी तरीके से हमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर हम बायनमो को यूज करेंगे। बिल्कुल भी आपको कोई इश्यू फेस नहीं होने वाला है अगर आप इसे यूज करते हो। तो आप पहले जैसे यूज करते थे वैसे ही अभी यूज करो। आराम से आप विड्रॉ ले सकते हो, आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। आराम से आप पहले के जैसे डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपके पास बायनमो नहीं है एप्लीकेशन तो आप वेब पे यूज कर सकते हो, उसे iOS में यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास वेब भी नहीं है, मतलब आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, और अगर आपके फोन में भी बायनमो प्री इंस्टॉल्ड नहीं है, तो सिंपल सा एक काम करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको बायनमो को हटा के सर्च करना है ट्रेडिंग ट्यूटर। ये आप जैसे ही सर्च करेंगे तीसरे नंबर पे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, देखेंगे ट्रेडिंग ट्यूटर। ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? जैसे ही इसे आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो क्या इंटरफेस आएगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो सेम बायनमो जो ऐप है वो आ जाएगा, ठीक है? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे कोई चेंजेस नहीं हुए। मतलब बायनमो का जो एप्लीकेशन है वो ट्रेडिंग ट्यूटर के नाम से अभी लाइव है प्ले स्टोर पे। सो जब तक गाइज ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है वेरिफिकेशन की, आप ट्रेडिंग ट्यूटर को डाउनलोड कर सकते हो। मतलब ट्रेडिंग ट्यूटर का मतलब है नाम कुछ भी हो लेकिन है बायनमो। मतलब गाइज आप एक ही नाम से एक ही सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली दो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे लाइव नहीं कर सकते हो। इसीलिए बायनमो वालों ने एक हल निकाला है, वो ये कि ट्रेडिंग ट्यूटर के नाम की एप्लीकेशन उन्होंने लाइव की है। और गाइज आपको ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको लगता है ना कि दोनों ऐप अगर अलग अलग कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो आपको क्या करना है, बायनमो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मतलब बायनमो.com पे जाना है आपको। जैसे ही आप बायनमो.com पे जाएंगे तो नीचे चलते जाइए और यहां पर आप देखेंगे नीचे यहां पर लिखा है गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो कौन सा पेज रिडायरेक्ट होगा, डायरेक्टली मैं आ जाता हूं एप्लीकेशन पे क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो एक काम करता हूं, मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूं।
मैं इसे अनइंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूं कि मुझे डायरेक्टली फिर वो गूगल प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट करेगा। तो यहां पे मैंने गेट इट ऑन प्ले स्टोर पे क्लिक कर दिया और यहां पे आप देख सकते हैं मैं डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गया हूं ट्रेडिंग ट्यूटर पे। मतलब ये एप्लीकेशन पावर्ड बाय बायनामो है और सेम के सेम बायनामो ही है, मतलब ऐसा नहीं कि अलग है, बायनामो के सारे फीचर्स आपको यहां पे मिलेंगे। अब आपको बता देता हूं कितने टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो एक बात बता देता हूं, बायनामो की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि कितने टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एक अंदाजा लगाया जाए तो 1 से 1.5 हफ्ता, क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं गूगल प्ले स्टोर से हटाए हुए इस एप्लीकेशन को, और वेरिफिकेशन में यार थोड़ा टाइम तो लगता है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे सारे, आपको बायनामो फिर से देखने को मिलेगी प्ले स्टोर पे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई गूगल प्ले स्टोर से बायनामो को हटा दिया है तो मतलब ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, या मतलब इंडियन गवर्नमेंट इसके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं ले रही है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। गूगल प्ले स्टोर से क्यों हटाया गया ये मैंने आपको बता दिया है, दोबारा आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ये भी मैंने बता दिया है, विड्रॉ डिपॉजिट में भी कोई इशू नहीं आने वाला है, और iOS और वेब पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने वीडियो के अंदर कवर कर दी है इससे रिगार्डिंग। जैसे ये ऐप हटा तो मैंने सोचा यार मतलब क्या कारण हुआ होगा, काफी ज्यादा रिसर्च लगी और आपके लिए ये डिटेल्ड वीडियो लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। जो बायनामो यूजर्स हैं घबराने की बिल्कुल बात नहीं है भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। ट्रेडिंग ट्यूटर डाउनलोड कर लो अगर आपने बायनामो डाउनलोड नहीं कर रखी है तो, मतलब ये सेम ट्रेडिंग ट्यूटर इक्वल्स टू बायनामो, ठीक है, और बायनामो की ही कंपनी का ऐप है तो घबराने की बात नहीं है। एक्चुअली यार होता क्या ना, ये लोग क्या करते हैं ना, बैकअप ऐप्स रखते हैं, बहुत सारे ऐप बना के रखते हैं और सर्विसेज सारे में एक ही होता है, मतलब टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सब में एक ही होता है। तो ये सारे ऐप में मतलब इतने सारे ऐप क्यों बना के रखते हैं, अगर किसी पॉलिसीज में प्रॉब्लम आती है गूगल प्ले स्टोर की, iOS की या कहीं भी, तो ये लोग क्या करते हैं ना बैकअप ऐप इंस्टॉल कर देते हैं, मतलब बैकअप ऐप लाइव कर देते हैं। अब ये जो है एक बैकअप ऐप है, यहां पे आप ट्रेड ले सकते हो, सारी सर्विसेज कर सकते हो और जो सर्वर लोड है वो सारा इक्वली होने वाला है। मतलब जो बायनामो जो सर्वर यूज करती है सेम सर्वर यहां पे है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर भी सेम है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्रैश नहीं होगी और कभी दिक्कत भी नहीं आने वाली है। तो ये लोग कंपनी वाले क्या करते हैं ना, हमेशा वर्स्ट केस के लिए रेडी रहते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है ना, एक बहुत सारी एप्लीकेशंस बना के रखते हैं, कभी किसी को लाइव कर दिया अगर इशू आ गया है, बायनामो में इशू आया है वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग, जिसके बाद इन्होंने क्या किया है इसको लाइव कर दिया है। तो आप यहां पे यूज करो बायनामो को, और उम्मीद करता हूं लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया होगा भाई की मेहनत के लिए। एंड अगर और भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही ना कहीं भी, तो टेंशन मत लो यार, ये चैनल आपको सही सही चीजें दिखाएगा और सबसे पहले दिखाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच यार गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।